whisper good morning. तो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी गलगुटिया। तो आप पीछे देख सकते हो ये इसका मेन गेट है। मैं तो यहाँ पे आता हूँ अपनी स्कूटी से अपने दोस्त के साथ, क्योंकि मेरा जो रूम है वो यहाँ से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की दूर पे है। वरना आपको यहाँ पे ऑटो देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑटो चलते हैं बहुत जगह के, परी चौक, GYC वगैरह वगैरह बहुत सी जगह है। यहाँ पे बहुत से बच्चे ऑटो से आते हैं। तो चलिए एक बार यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं क्या चल रहा है उधर। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका दिन जो है इसी वाले गेट से शुरू होता है और इसी वाले गेट पे जाके ख़त्म। हमारे भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से ऐसा ही दिन शुरू होने वाला है। तो गाइज़ हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, वैरायटीज से भरी हुई, बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं इसमें। तो मैं आपको इस ब्लॉग में जो है आज दिखाऊँगा कल्चर, यहाँ का क्या कल्चर है, स्टूडेंट लाइफ क्या है, कैसी कैसी वाइब्स आती हैं और कैसी लाइब्रेरी है और क्या क्या सब होता रहता है, स्टूडेंट जो सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते रहते हैं। आपको इस ब्लॉग में ए से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ब्लॉग को 10 सेकंड के लिए भी स्किप मत कर देना, वरना ये आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो गाइज ये है हमारा ए ब्लॉक। ये जो है यूनिवर्सिटी का सबसे पहला ब्लॉक है। इसमें जो है मैनेजमेंट वाले बच्चों की क्लासेस लगती हैं, BBA, MBA वगैरह, इन सब बच्चों की क्लासेस आपको इस ब्लॉक में देखने के लिए मिल जाएंगी। और इस ब्लॉक के जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको लगेगा कि जैसे आप किसी मॉल वगैरह में आ गए, ऐसा आपको एक तरह से ऐसा काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है यहाँ। और बात करें यहाँ की लैब्स की, तो वर्ल्ड क्लास लैब्स की फैसिलिटीज़ है। और इसकी लाइब्रेरीज़ को देखोगे तो कहोगे कि कितनी ज़्यादा, चलिए लाइब्रेरीज में आपको अंदर ही दिखा दूँगा। आइए। यहाँ पे आपको ये 4 लिफ्ट देखने को मिल जाएंगी। आप इसमें से किसी में भी जा सकते हो। ये सारे 5th फ्लोर तक जाती हैं, आप किसी में भी जाओ। आज जो रश थोड़ा कम है क्योंकि मैं थोड़ा स्टार्टिंग में आ गया हूँ, वरना एक ब्लॉक में क्लासेस जो अलग 10 बजे के आसपास स्टार्ट होती है। चलिए गाइस लिफ्ट आ चुकी है मेरे। ओवरऑल ए ब्लॉक में आपको फीस रिलेटेड, अकाउंट ऑफिस, डेटा सेंटर, इन सब से जो आपके इश्यूज होते हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हैं। ए ब्लॉक में आपकी लॉ से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी NIRF, NAACP, NBA इन सब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक मिली हुई है, इसीलिए बच्चों का काफ़ी सालों से भरोसा हमारी यूनिवर्सिटी में चला हुआ है। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने के बाद भी और डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स होने के बाद भी यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बच्चों को काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है। वो बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए इस कोशिश में हमेशा लगा रहता है। और मुझे मैनेजमेंट की सबसे अच्छी बात लगती है वो है यहाँ का जो GUI क्लाउड है। GUI क्लाउड क्या है कि वहाँ पर बच्चे को एक्सेस दे दिया जाता है कि वो कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, वो अपने एग्ज़ाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टाइम टेबल, टीचर रिलेटेड, मेंटर रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, क्या इसकी फीस रिलेटेड, क्या क्या जो भी उसकी दिक्कत होगी वो GUI क्लाउड पे सॉल्व हो जाती है। तो गाइज इस तरह की जो लैब्स है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिल जाएंगी। चलिए आपको एक बार जो लैब दिखा देता हूँ अंदर से। तो
गाइस 2 दिन बाद जो हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो मैं थोड़ा प्रिपरेशन के लिए यहां से बुक्स इशू करवा लेता हूं। ये हमारी ए ब्लॉक की लाइब्रेरी है, यहां पे आपको बहुत सारी वैरायटीज की बुक्स मिल जाएंगी। यहां पे आपको फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, स्टोरी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स वाइज बुक्स तो फिर मिलेंगी वो तो हर। तो गाइस ये जो हमारी लाइब्रेरी का इंटीरियर आप देख सकते हो और यहाँ से हम लोग करते हैं चेक इन। जो आपका आपके जो आई क्लाउड पे होता है यूनिवर्सिटी में, वहाँ से चेक इन होता है। आप यहाँ से बुक रिन्यू करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो, नई बुक ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ए ब्लॉक से निकलने के बाद में अभी ब्लॉक से थोड़ा पहले ये आता है हमारा कैफेटेरिया। तो यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड्स मिलेंगे, कि आप जो भी फूड का नाम सोचोगे वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, पिज़्ज़ा, पेटीज, बिस्ट्रो, हर तरह की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल होगी आपको। कैफेटेरिया से होके अब मैं एंटर करने वाला हूँ बी ब्लॉक में। तो ये है हमारा बी ब्लॉक। बी ब्लॉक में एंटर होते ही राइट हैंड साइड की तरफ आपको मिल जाती है यहाँ पे स्टेशनरी। तो बी ब्लॉक का मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है वो लगता है यहाँ की जो आई मेक लैब है। इस लैब के बारे में जितनी तारीफें करी जाए कम। तो गाइज इस तरह के वॉशरूम आपको मिल जाएंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में देखने के लिए। आप देख सकते हो कितने अच्छे वॉशरूम है, कितने ज़्यादा साफ और हाइजीनिक हैं। यहाँ पे क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ का जो क्लीनिंग स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा अपना ड्यूटी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाता है। तो मेरी यूनिवर्सिटी के हर ब्लॉक के हर फ्लोर पर आपको एक गर्ल्स वॉशरूम और एक बॉयज़ वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। वहाँ का जो क्लीनिंग स्टाफ है वो उस वॉशरूम को बहुत ज़्यादा हाइजीनिक और बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस उसकी मेंटेन करके रखता है। तो अब हम आ चुके हैं बी ब्लॉक से बाहर। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो मेरे पीछे वो है सी ब्लॉक, जिसमें मेरी क्लासेस चलती हैं। और ये है हमारे सी ब्लॉक का ग्राउंड, जहाँ पे सी ब्लॉक में जब क्लासेस वगैरह ऑफ हो जाती है तो बच्चे लंच वगैरह करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए इसमें आ जाते हैं चिल करने के लिए। आइए। ये है हमारी सी ब्लॉक की एंट्री, यहाँ से हम एंटर होते हैं सी ब्लॉक के लिए।
तो अब आप देखेंगे ये है हमारी रजिस्ट्रेशन डेस्क सी ब्लॉक की, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड सारे काम होते हैं। और इस तरफ की तरफ देखेंगे ये है आपके इंक्यूबेशन ब्लॉक्स, यहाँ पे छोटी मोटी मीटिंग्स रखी जाती है 4-5 बच्चों के बीच में, वो सबसे सामने है। और पेटेंट वॉल, जहाँ पे अगर आपने किसी भी चीज़ का पेटेंट कराया है तो आपका नाम रजिस्टर होकर वहाँ पे आ जाता है। गाइज ये है सी ब्लॉक के बीचों बीच का सेटिंग, जो जहाँ पे बच्चे जो जब जिनकी क्लास वगैरह नहीं होती है, लेक्चर वगैरह फ्री होता है, तो यहाँ पे आते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, मस्ती करते हैं, चिल करते हैं। तो देख लीजिए आप एक बार इसको, और फिर इसके बाद मैं आपको एक बहुत मस्त चीज़ दिखाता हूँ, आइए। Something. Hope that you're up to something.